पश्चिम बंगाल में झूडा के साथ हुई मारपीट की सजा, छत्तीसगढ़ के मरीजों को भी मिल रही है। इलाज के लिए आए मरीज इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर है। मरीजों की पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। स्वराज एक्सप्रेस ने स्थिति का जायजा लिया, जहां मरीज खासे परेशान होते हुए नजर आए। मरीजों से बातचीत करने पर उनकी आंखें तक भर आईं। बंगाल के घटना को लेकर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है और इसका दुष्परिणाम क्या है, आइए हम हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा हॉस्पिटल में हैं और यहाँ कुछ मरीज ऐसी बैठे हुए दिख रहे हैं जिनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इसे जानते ही है कहाँ से आए हैं और इनकी क्या स्थिति है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दूसरे से आया हूँ। क्या इलाज करा रहे हैं? मेरे पैर फ्रैक्चर हुआ था, छोटा सा एक चोट है, उसका ऑपरेशन करके उसको ड्रेसिंग करवाना पड़ता डेली, तो जैसे ड्रेसिंग डेली होने लगता है तो सुधार होने लगता है। फिर लोग कोई ना कोई बहाने से छुट्टी मारते हैं, या तो हमको बाहर ही बिठाया जाता है, अंदर सब जिन लोग पैसा 150 देते उनके ड्रेसिंग करते हैं, मैंने अपने आंख से देखा है। तो ये आप सीधा देख सकते हैं, ये तस्वीर आपके सामने मेकाहारा का है, जहाँ पे ये मरीज अंबिकापुर से अपने इलाज के लिए आए हैं। हालांकि इनको कैंसर की बीमारी है जिनका दूसरे हॉस्पिटल पे इलाज चल रहा था, लेकिन आज इनकी तबियत और ज्यादा सीरियस होने की वजह से, सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से वो इलाज के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह कैमरा में से कहूंगा कि ये दृश्य आपको दिखाएं, यहाँ कई सारे मरीज बैठे हुए हैं और ये इलाज के लिए यहाँ पे आए हैं, इनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह सवाल उठता है कि आखिर ये मरीजों को कब तक ये भुगतना पड़ेगा, वो अपने दर्द के साथ कब तक जीते रहेंगे, क्योंकि ये जो हड़ताल है ये शासन प्रशासन की ओर इंगित करता है और उसमें भी ऐसा लगता है कि ये हड़ताल में शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं इसका योगदान दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल और यहाँ डॉक्टर का ना होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। कैमरा मैन राहुल के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।